नहीं कर पाओगे, मतलब आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, सस्ती चीजें लुभाती बहुत है पर फाइनल आउटपुट नहीं देती है, लॉन्ग टाइम चलती नहीं है। तो इनके साथ एक बैट एफईटी लगा होता है, दो आपके एफईटी लगे होते हैं, इन दोनों के बीच में जिसको स्विचिंग होनी होती है एलएक्स, इसमें बीएसटी है। तो बीएसटी मतलब जिसमें वो आपको एक एक्स्ट्रा वोल्टेज बूट कैपेसिटर, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे एक बूट कैपेसिटर भी लगा हुआ है, फास्ट चार्जर, एक पीडी 3.0 पावर बैंक एसओसी का सर्किट है, ठीक है। ये जनरली पावर बैंकों में आता है। सिर्फ ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, ये रिपेयरिंग का भी है और एक नॉर्मल ज्ञान भी है कि अभी अगर हम कंट्रोलर लगा देंगे तो ये हमारा पूरा चालू हो जाएगा, हम कस्टमर को दे देंगे। हमने जैसे कहा कि हम 1500 रुपये तक और 1200 रुपये तक भी अच्छा बना सकते हैं, बट अभी हम क्या करें क्योंकि हमारे पास तो आप देखो तो ये मोबाइल, हम मोबाइल आईसीओ का काम करते हैं, एंड्रॉइड आईफोन, बट उसमें ये आईसी तो लगी नहीं होती है, ये आईसी का नॉलेज ना इसका सर्किट है हमारे पास, तो हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कंपोनेंट को चेक कर लेंगे या कंट्रोलर चेक कर लेंगे और बदल देंगे, समझ रहे हैं, एज अ स्किल लेवल का। फोन में लगकर वो जो आपका मैकसेफ का बनकर आता है आईफोन के अंदर, तो वो बनकर नहीं आएगा, तो इसको बाईपास करने से ये खाली एक चार्जर तो बन जाएगा। सो हाल उसको कैसे आप, मेरे पास एक आया है वायरलेस चार्जर, आप देख सकते हैं 10,000 mAh का हमने इसकी बैटरी निकाली है और ये वायरलेस चार्जर रहने वाला है। ये आईफोन का जो मैकसेफ वाला है ना उसकी कॉपी है और ये भी अच्छा है काफी, 4,500 रुपये इसकी कीमत है अमेजोन पे। तो ये जो वायरलेस चार्जर है, ये क्या हो रहा है, कस्टमर का ये कहना है कि चार्जिंग पे लगाते समय ये मतलब जो बंद हो जा रहा है, मतलब पूरी लाइट वाइट बंद कर दे रहा है, एक तरह से शॉर्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या हो रहा है, आइए इधर थोड़ा, ये देखिए इसके ये जो आपके चार्जिंग का सर्किट है, आप इसका बोर्ड मानो पूरा मोबाइल जैसा ही है, आप देखो तो इसमें टाइप सी है, एक आपका ये जो पोर्ट दिखाई दे रहा है यूएसबी ए, जिसके अंदर प्लस माइनस ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डाटा तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है, कुछ कैपेसिटर्स हैं और एक हमने कैपेसिटर्स बाहर निकाला हुआ है, ठीक है, और वो कैपेसिटर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये 100 माइक्रोफेराड का एक हमने निकाला है। सो हमने सोचा कि चलो अब आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए ये करके, तो ये कैपेसिटर हम वापस लगा देंगे। देखो ये जो कैपेसिटर निकाला है हमने इधर से निकाला है ये करके, तो ये हम कैपेसिटर लगा देंगे। ये इसकी स्विच है, ये इसमें वायरलेस है W1 W2 करके, इसके पीछे से मैग्नेट और वायरलेस कॉइल को राउंड करके डाला है और कुछ भी नहीं है इसका सर्किट, ये सिर्फ ये समझो कि डीसी को पास कर रहा है, कॉइल का सिद्धांत जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। और ये सेंसर लगा हुआ है इसके साथ और ये एक मॉस्फेट लगा है और एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ आप देखो तो यहाँ पर आपको एक कंट्रोलिंग आईसी दिखाई देगी। अभी बेसिकली इसमें क्या है, इसमें है ना ये जो कैपेसिटर है जो हमने निकाला है ये फुल शॉर्ट है, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो जैसे ही कस्टमर इसको चार्ज में लगा रहा है, ठीक है, ये देखो ये पूरे उसको बंद कर दे रहा है। तो ये कहीं भी हो सकता है क्योंकि जब भी हमारे घर में अर्थिंग नहीं होती या वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं तो उसमें एक स्पाइक की वजह से हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, बोर्ड में। ये शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है, इसका कंट्रोलर भी खराब हो सकता है। कंट्रोलर खराब होने की वजह यही होगी कि अगर इसका प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो कंट्रोलर चला जाएगा इसका। सो अभी मोबाइल रिपेयरिंग में काम सीखने के बाद आप है ना ये सारे गैजेट भी बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में सिर्फ खाली मोबाइल का काम नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का भी पूरा बेस स्ट्रक्चर सिखाते हैं ये करके। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ना सबसे पहले जब भी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो आपने मल्टीमीटर लेकर आपने ये चेक करना है, ये आपने ये टाइप सी का कनेक्शन लगा हुआ है। अब टाइप सी में आप देखो तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो जैसे एंड्रॉइड का होता है, ये और ये बस ग्राउंड रहेगा, ये आपका वी बस रहने वाला है, जैसे आपने ये देखो ये वोल्टेज आ रहा है, ये आपका 5 वोल्टेज के लिए, बाकी का ये पॉइंट कोई काम का नहीं है, सारा एनसी है क्योंकि इसमें हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे। बेसिकली इसमें CC1, CC2 एस बस और डाटा प्लस डाटा माइनस की सप्लाई होती है। अभी कैसा है, अभी पहले हम इस पे शॉर्टिंग देखेंगे कि मैं आपको बता दूं, तो हमने बजट मोड पे किया हुआ है, देखो आपको आवाज आ रही होगी, तो आप देखो सिर्फ इसमें बीप है और सिर्फ इसमें बीप है, यहाँ दिखाओ मल्टीमीटर में, ठीक है, पर आप देखो इसमें इस वाली में आप देखो तो यहाँ पर देखो रीडिंग आ रहा है जो कि आना ही चाहिए, ये आपका GR है जो कि आपके ये MOSFET से आ रहा है। पहला तो ये MOSFET ही लगा हुआ है, अब इस पर ये देख सकते हैं कि MOSFET क्या काम कर रहा है, तो उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर कहीं पे भी बीप नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पर बीप आ नहीं रही है, इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। फिर अब हमने दूसरे बार में ये देखा, इसमें भी आपने क्योंकि इसे आप इसको पूरा चार्ज करते हैं, इसे आप आउटपुट लेते हैं, ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो ये ग्राउंड है, ये बीप नहीं है, ये और ये दो एनसी है, इस पर GR आ रहा है, तो इसका मतलब अब उसके बाद फिर हमने इन कैपेसिटर को चेक किए, ये ओके है, ये ओके है, और ये कैपेसिटर शॉर्ट जा रहा है, ये देखो यहाँ पे वो कैपेसिटर लगा था इलेक्ट्रोलाइट, ये शॉर्ट जा रहा है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पर ना ये कैपेसिटर शॉर्ट जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कैपेसिटर अगर आईसी के साथ लगे होंगे तो फिर हमें आईसी चाहिए होगी ना, क्योंकि फिर ये बोर्ड इसलिए हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास में अभी इसका कोई आईसी का है नहीं जुगाड़, हम आईसी कहाँ से निकाल के लगाएंगे, ये है कि हमें परचेस करनी पड़ेगी और आईसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। कस्टमर अगर अच्छा पैसा देगा और अगर ये आईसी मिलती है मार्केट में तो लगा देंगे।
तो फिलहाल तो देख लेते हैं कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है और काम यहीं पे बन जाएगा। तो हम यूज करेंगे शॉर्ट किलर, ठीक है। सो शॉर्ट किलर में आप देखो मेरे पास यहाँ पर रिपेयर टूल टीबीके का अभी सबसे लेटेस्ट शॉर्ट किलर है, जिसमें मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा कि मैं पहले इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो इसको दबाना होता है, सॉरी। अब यहाँ पर हम जाएंगे शॉर्ट सर्किट रिपेयर में, ये देखो। अब यहाँ पर आप देखो तो हम यहाँ पर अपना एम्पियर और वोल्टेज सेट कर लेते हैं। तो वोल्टेज हम रख लेते हैं 1.8 मान के चलिए, और जो एम्पियर है हमारा ये देखो एम्पियर हम रख देते हैं तकरीबन 10। तो ये हमने रख दिया है। अब हम अपना शॉर्ट सर्किट यूज करेंगे, ये आउटपुट देगा। अब हमें शॉर्ट सर्किट केवल शॉर्ट मतलब जो किलर जो शॉर्ट किलर है हमें ऐसे नॉर्मली यूज करना है जैसे हम करते हैं, बट हमको अब डीसी की वायर चाहिए, क्योंकि बट 10 एम्पियर में क्या होगा, ये हमारी बूट केबल सब काम करना बंद कर देगी, क्योंकि ये है ना ये प्रोटेक्शन सर्किट में काम करती है, ये तभी काम करेगी। अभी मैं लगाऊंगा ना तो ये बीप दे देगा, आई गेस नोटिस करो। चलो नहीं दिया बीप, तो ये एक अच्छी बात है। अभी मैंने चालू कर दिया है, देखो अभी ये चालू हो गया, अभी ये बंद हो गया, अभी ये चालू हो गया, तो ये भी है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे, तो ये देखो, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब फिर से दिखाता हूँ, तो देखो ठीक है। अब मैं सीधे शॉर्ट किलर लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा रूजिन डाल देता हूँ यहाँ पे, देखिए सेम वही पुराने टेक्निक से काम करेंगे। दिखाओ वहां पर, ये वाला बटन दबाओ जरा, मैन कंसर्न वाला, ठीक है। अभी चालू हो गई है, ठीक है। तो फिलहाल हम देखेंगे हमें क्या मिलता है। कंट्रोलर निकालते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, दिखाइए ये जो मेन कंट्रोलर है हमारा, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक है, ये आपकी बेसिकली जीआर होना चाहिए, बट यहाँ पर आपको ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट जा रहे हैं। अब हमारे को कैपेसिटर तो लग नहीं रहा है क्योंकि हमारा कंट्रोलर ही शॉर्ट जा रहा है, तो हम आईसी को निकाल देते हैं। इस आईसी को निकालते समय आपने फोटो खींच लेना है, क्योंकि इसका फिर नोज कट पॉइंट सर्किट नहीं होने की वजह से हम नोज कट पॉइंट लगा नहीं पाएंगे। तो उसकी भी टेक्निक है, तो देखो मैंने कंट्रोल निकाल दिया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोल निकाल दिया है, अब मैं इसको चेक करूंगा, पर क्योंकि कंट्रोलर खराब हो गया है, अगर चलो देखते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि हमारे पास का दूसरा कंट्रोलर तो है नहीं भाई, ये बोर्ड हमारे पास रिपेयर होने के लिए तो आते नहीं है। ये देखो दोस्तों शॉर्टिंग निकल गई, निकलिए देखो, देख रहे हैं ये कैपेसिटर में, अब देखो पहले शॉर्ट आ रहा था, अब देखो शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब जनरली क्या होता है, ये जो आईफोन का मैक्स ऐप का जो आप ये सोचते हैं कि 10,000 रुपये का हम बाईपास कर लेंगे, 3,000 में काम चला लेंगे, तो ये देखो ये होता है, ये चाइना बेस्ड सर्किट डाल देते हैं। अब प्रोटेक्शन बिल्कुल जीरो, सीधा एक बार में आपने सीसी में गलत अगर करंट का स्पाइक गया तो सीधा कंट्रोलर जाएगा। अब इसका कंट्रोलर कहाँ है, अब इसका कंट्रोलर आईसी या तो आपने मार्केट में सर्च करके लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसको ये तो नहीं है ना कि चार जंपर मार के हम इसको चला लेंगे, क्योंकि कंट्रोलर ही तो उसको कंट्रोल कर रहा है। 10,000 mAh की बैटरी है, फट सकती है आपकी। आप ये क्यों नहीं सोचते हो, मैं आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, ये रिपेयरिंग का भी है और एक नॉर्मल ज्ञान भी है, कि अभी अगर हम कंट्रोलर लगा देंगे तो ये हमारा पूरा चालू हो जाएगा, हम कस्टमर को दे देंगे। हमने जैसे कहा कि हम 1500 रुपये तक और 1200 रुपये तक भी अच्छा बना सकते हैं, बट अभी हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो आप देखो तो ये मोबाइल, हम मोबाइल आईसीओ का काम करते हैं, एंड्रॉयड आईफोन, पर उसमें ये आईसी तो लगी नहीं होती है, ये आईसी का नॉलेज ना इसका सर्किट है हमारे पास, तो हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कॉम्पोनेंट को चेक कर लेंगे या कंट्रोलर चेक कर लेंगे और बदल देंगे, समझ रहे हो, एज अ स्किल लेवल काम है ये। बट मैं आपको कस्टमर लोग को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में ये खरीद लेते हैं, आप सिर्फ बाहर का काम देख रहे हैं, ये सोच रहे हो कि 4,000 रुपये में देखो मेरे को मैक्सेप 10,000 दे रहा है, और मेरे को 10,000 तो मैक्सेप भी नहीं दे रहा, वो तो दे रहा है 4,000 पाँच मिनट का, 4,000 2,000 3,000 है, 5,000 है खाली, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जितना भी है आप देख सकते हैं यूज़ को ऑनलाइन पर।
बट आप देखो कि इसके अंदर प्रोटेक्शन नाम से कुछ भी नहीं है। और बेसिकली अब इसमें हुआ क्या, इसमें खराब कौन हो गया, इसमें कंट्रोलर खराब हो गया। ये देखो में लगकर वो जो आपका मैकसेफ का बंद कर आता है आईफोन के अंदर, तो वो बंद कर नहीं आएगा। तो इसको बाईपास करने से ये खाली एक चार्जर तो बन जाएगा बैटरी वाला, पर वो बैटरी के साथ विदाउट प्रोटेक्शन मतलब वो फट सकता है। 10,000 mAh जब बैटरी फटती है नॉर्मल, तो आप सोचो आग लग जाती है। जब 10,000 की बैटरी फटेगी तो सोचो क्या होगा, बम जैसा फटेगा, मतलब आदमी मर सकता है। और ये गारंटी कह रहा हूँ, मर जाएगा जो भी बगल में होगा, वो निपट ही आएगा, बचने का कोई सवाल नहीं है। अगर सस्ते के चक्कर में रहोगे ना तो यही होगा। अब क्या हुआ, बंदे के 4,000 रुपये भी चले गए, ये बंदा खरीदने के एक महीने के बाद कहीं बाहर ले गया इसको और देखा कि सर ये बंद हो गया है। अब कंपनी तो उसको कुछ देने नहीं वाली, क्योंकि कंपनी तो वारंटी गारंटी के नाम पर बेवकूफ बना देती है, बाद में फिर फोन भी नहीं उठाती, उसके कॉलर भी नहीं लगते। ऐसे ही होता है सस्ता कोर्स, सस्ते कोर्स में यही आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। सर्किट तो आप बना लोगे पर आप उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे, मतलब आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ सस्ती चीजें लुभाती बहुत है पर फाइनल आउटपुट नहीं देती हैं, लॉन्ग टाइम चलती नहीं है और कुछ ही दिन तक रहती हैं, उसके बाद जीरो हो जाती हैं। और ये देखो तो देखो अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं नॉर्मल, आप देखो ठीक है, ये हमने टाइप सी पूरा घुसा दिया अंदर ये करके, पर अभी भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसका कंट्रोलर ही ख़राब है, और कंट्रोलर तो हमारे पास है नहीं, नहीं तो उसको बना देते, पर फिर भी फॉल्ट फाइंड कर लिया, चल कर। सो देखो यहाँ पर ये जो आईसी है, यहाँ दिखाइए, ये आईसी जो शॉर्ट हुई है ना, एक्चुअल में हमारा शॉर्ट है ना, ये कैपेसिटर हुआ है, ये वाला जो कैपेसिटर है ना ये शॉर्ट है हमारे, ये कैपेसिटर हमारे यहाँ से कनेक्टेड है। मैं आपको कंटिन्यूटी दिखाता हूँ, देखो ये दिखाई दे रहा है ठीक है। अब मैं आपको इसका डाटा सीट दिखाता हूँ, यहाँ दिखाइए, देखिए हमने इसका डाटा सीट खोला है। ये एक्चुअली एक फुली इंटीग्रेटेड बाय डायरेक्शनल, एक फास्ट चार्जिंग पीडी, एक फास्ट चार्जर, एक पीडी 3.0 पावर बैंक एसओसी का सर्किट है ठीक है। ये जनरली पावर बैंकों में आता है और ये आपको चाइनीज पावर बैंकों में मिलेगा विद मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। अगर हमारे पास दूसरे पावर बैंक का एसओसी सर्किट होता तो हम इसमें से निकाल के लगा देते। इसके अंदर 2 USB A आउटपुट, 1 USB B और 1 USB C आउटपुट देखने को मिलता है। अभी मैं ये आउटपुट आपको दिखाऊं तो ये आउटपुट कैसा रहने वाला है, ये आप देखो, ये देखो इस तरह से। तो 2 USB A, ये आपका टाइप सी हो गया, ये देखो ये सेम IC आपकी, देखो 2,000 रुपये का खाली सर्किट है। अभी हम मैं कस्टमर को ये बोलूंगा कि भाई मैं अब 200-300 इसमें भी कमा सकते हो, आप ये डायरेक्ट बूट को निकाल के आप ये परचेस करके आप इसके अंदर ये वाला बूट डाल के आप उसको दे सकते हो और कस्टमर हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा की पूरा आप बोर्ड बदल सकते हो। पर ये 2,000 का है अब, क्योंकि उसका चार्जर ही 4,000 का है, तो अगर वो कोई कंपनी तो यही करने वाली कंपनी ये पूरा मॉड्यूल चेंज करती है। बट अगर हमारे पास ये आईसी होगी तो हम आईसी लगा के मॉड्यूल को ओके कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास का डायग्राम है। अब आप देखो तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, QC चार्जिंग है, बहुत कुछ है इसके अंदर, और ये इसका बेसिकली एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप देखो तो टाइप सी के अंदर आपको बीबस मिलेगा, बाकी सब कुछ NC, सिर्फ ग्राउंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ 2 लाइन, बाकी CC, NCC, DMC, डाटा माइनस, डाटा प्लस, ये सब ग्राउंड है। और यहाँ पे देखो एक MOSFET, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे एक MOSFET लगा होता है, तो एक इसके साथ ये MOSFET लगा हुआ है ये बीबस के साथ। और आप देखें तो बीबस ये आपका टाइप सी का हो गया मॉडल का अंदर का IC का, ये माइक्रो बी, इसके अंदर भी प्लस और माइनस BPDM नहीं ठीक है। ये माइक्रो बी आपके ये वाले पोर्ट हो गए बड़े वाले, जो आपके एक्चुअल में आउटपुट होते हैं, ये वाला, ये माइक्रो बी हो गया ये करके, ये माइक्रो बी होता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है, यूएसबी ए से थोड़ा सा बड़ा होता है ये माइक्रो बी, ये करके ये टाइप ए हो गया जो नॉर्मली यूएसबी होता है, और ये टाइप ए, दो टाइप ए ये करके। और ये बूस्ट एंड चार्जिंग डिवाइडर सर्किट है हमारा, जो चार्जिंग डिवाइडर सर्किट मतलब जो भी हमारा लाइन शॉर्ट हुआ था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये नोज कट पॉइंट है, ये एक नंबर से आप गिनोगे ये करके, तो ये आपका इधर ये VS YS शॉर्ट हो गया था, ये आईसी के अंदर के MOSFET जो होते हैं, ये देखो ये VS YS ये जो सर्किट है इसके साथ आप देखो तो दो आपके एन चैनल के MOSFET है, एक लोअर एक हायर। सो यहाँ पे दो FET है, आप FET भी बोल सकते हैं, तो इनके साथ एक बैट FET लगा होता है, दो आपके FET लगे होते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो स्विचिंग होनी होती है LS, इसमें BST है, तो BST मतलब जिसमें वो आपको एक एक्स्ट्रा वोल्टेज बूट कैपेसिटर, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक बूट कैपेसिटर भी लगा हुआ है, जो कि आपके कौन से नंबर में लगा होगा बूट कैपेसिटर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये देखो 19 नंबर पे यहाँ पे बूस्ट बूट कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे 19 नंबर पे आपको एक हाई वोल्टेज मिलने का आपकी संभावना है, 6, 7, 8 जो भी, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये डायग्राम के अंदर बेसिकली आईसी के अंदर कैसा होता है ना, ये MOSFET है ना, ये FET ये शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका BPS शॉर्ट हो गया है। आईसी लगाने में BPS शॉर्ट हो जा रहा है, आईसी हटाने पर ये ओके हो जा रहा है, तो हमें ये आईसी ही चेंज करनी पड़ेगी। ये आईसी का नाम है IP5328P, यहाँ पे भी दिखाओ, और ये आईसी का नाम है आईपी
IP5328 ठीक है, ये करके और ई ये आईसी है, ये देखो तो ये आईसी का बिल्कुल सेम काम है। तो ये डाटा शीट भी है, हम इस सर्किट को पूरा बना सकते हैं बट विदाउट कंट्रोलर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको बाईपास करेंगे तो कस्टमर चार्ज तो कर लेगा, सेट चार्जिंग तो ले लेगा, 10,000 mAh उसको चार्जिंग तो ले लेगी, पर प्रोटेक्शन नहीं है, वो बैटरी फट सकती है, वो कंट्रोलर है वो आपके मोबाइल को सेंस नहीं करवाएगी, मतलब कुछ भी सेंसिंग नहीं होगा कि मोबाइल फोन में आपको वो जो वायरलेस में आपको बंद कर आता है जो एनिमेशन बन के आते हैं वो सब कुछ नहीं होंगे। तो ये आपको समझना है कि आपको कंट्रोलर लगाना है। अब हमारे पास अगर दूसरा सर्किट होता तो वहां से निकाल के लगा लेते, तो मैं मोबाइल भाइयों को कहूंगा कि अब छोटे छोटे अपने इस तरह के सर्किट भी अपनी दुकानों पर रखिए स्क्रैप बोर्ड में, ताकि आप यहाँ से कंट्रोलर निकाल सकें या दूसरे जो बड़े गैजेट है वहां से आप निकाल के उसको रख सकते हैं और बना सकते हैं। वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा, थैंक यू वेरी मच। ये तो मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि कंट्रोलर नहीं है, अगर होता तो बना लेते, बट आपको फॉल्ट फाइंडिंग करके दिखाई और किस तरीके से आपको ये आईसी के बारे में बताया और ये बताया कि क्या बाईपास करना चाहिए क्या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, थैंक यू वेरी मच। आपको मजा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है, और एक टाइम फीस दूंगा जिंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। चिल्लाने वाली बात है क्या? बाकी में है या नहीं है? कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है? कौन कौन काम करने वाला है? थैंक यू वेरी मच।